दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं महामाया मंदिर के द्वार पे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता महामाया मंदिर की ओर जा रहा है और बिल्कुल पहाड़ों पर चढ़कर यह मंदिर है। और ये जो पीछे मेरा आप रोड देख रहे हैं, इस ये रोड हजारीबाग रोड है, रांची से हजारीबाग रोड। अभी ठीक रामगढ़ घाटी चुट्टू पालू घाटी जहाँ पर समाप्त होती है, या आप पहले कि रामगढ़ की ओर से अगर आएंगे तो जहाँ से शुरू होती है घाटी, ठीक उसी जगह पे बाएं तरफ आप देखेंगे कि महामाया मंदिर का एक यहाँ पे बोर्ड वगैरह तो कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका अगर साइन कहे तो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसी जगह से अंदर की ओर यह महामाया मंदिर जाता है और हम लोग अभी आपको लेकर चलेंगे महामाया मंदिर की ओर और हम लोग दिखाएंगे कि महामाया मंदिर में क्या खास है, क्या मान्यताएँ हैं, कितना प्राचीन है, क्यों लोग यहाँ पर आते हैं और पहाड़ों पर होने के बावजूद लोग यहाँ पर जाते हैं। बहुत ही शांति आपको देखिए मेरे चारों ओर ये आवाज़ सुनाई देगी तो आपको बहुत ही शांति का एहसास होगा। और ये जो आवाज़ है ये किसी न किसी जैसे झिंगुर होते हैं ना, झिंगुर इस प्रकार के कुछ है। लेकिन आप जो भी है बहुत ही अच्छा लग रहा है इस वातावरण में आकर। और आगे आप लोगों को मैं दिखलाऊंगा, मेरे साथ सोनू है आज फिर से ब्लॉग में और आप लोग जब से ब्लॉग देख रहे होंगे तब से हम लोगों को साथ देख रहे हैं। तो चैनल पर से बने रहिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो हम लोग चलते हैं महामाया मंदिर की ओर। अभी कुछ महीनों पहले दोस्तों यहाँ पे रोड नहीं था, अभी आप देख रहे हैं कि पूरा रोड बना हुआ, आप ऊपर से गाड़ी लेकर जा सकते हैं जिस प्रकार से हम लोग जा रहे हैं। महामाया मंदिर जाने के लिए अभी तक पैदल जाना पड़ता था या फिर किसी तरह से गाड़ी बाइक वगैरह लेकर जा सकते थे, मुश्किल से दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र था। लेकिन अब रोड बन चुका है तो आप ऊपर तक अपने गाड़ियों को लेकर जा सकते हैं, बहुत आसानी हो गई है अब जाने में। और यहाँ से तो व्यू है, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। अभी और जाने में अभी आप देख रहे हैं रोड के किनारे बनना का जूस, प्रचंड गर्मी में जब सड़क किनारे गन्ना का जूस मिलेगा तो जरूर पी लीजिएगा और इसका बहुत ही आनंद होगा। दोस्तों अभी हम लोग नीचे से आ रहे हैं ऊपर की ओर और ये सीढ़ियाँ है, 150-200 सीढ़ी चढ़कर हम लोगों को मंदिर तक पहुँचना है। और अभी 11 बज चुके हैं, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है, इतना प्रचंड गर्मी है दोस्तों, बार बार गला सूख रहा है, पीने को पानी नहीं है, हम लोगों ने पानी लेकर आए हुए हैं। तो अभी हम लोग धीरे धीरे चलते हैं ऊपर की ओर और देखिए सोनू का हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, पस्त है। और अभी हम लोगों को लगभग और 100 सीढ़ियों से ऊपर जाना है, तो उसके लिए ताकत बनाना होगा। कोई नहीं सोनू भाई, लोग ऐसे ही प्यार बरसाते रहे अपना। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, वाच करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और बाकी तो जिंदगी जानिए रे क्या है, झंड है। लेकिन जब से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ तब से बहुत ही जिंदगी खुश नुमा हो चुकी है, तो आप लोग अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा। और इधर से जो व्यू है आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ बैक कैमरा से।
ये जो जंगल देख रहे ना आप, ये जितने पेड़ पौधे हैं, जानते हैं किनके हैं? फॉरेस्ट विभाग के हैं। बहुत गर्मी है दोस्त, बहुत भाई लोग क्या बताएं, बहुत गर्मी, हालत ख़राब हो गया है। हम लोग तो सोचे थे 150-200 सीढ़ी है नीचे। एक भाई साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि 100-150 सीढ़ी होगा, यहाँ तो 300 से अधिक सीढ़ियाँ हैं यार। अभी जितना हम लोग आए हैं, अभी आधा दूरा है, अभी आधा दूर और ऊपर देखिए सीढ़ी दिख रहा है, जाना है। और गलती ऐसा हो गया था कि हम लोग पानी भी नहीं लिए, पानी का एक बोतल था नीचे, हम लोग पिए और ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग ऊपर की ओर आ गए, बिल्कुल गला सूख रहा है। अब ऊपर जाकर देखते हैं, अगर व्यवस्था होगी तो पानी ज़रूर पियेंगे। सोनू भाई साहब का क्या हाल है ज़रा एक बार बताइए। और क्या करें, गर्मी तो बहुत है, पर आप लोगों के लिए वीडियो भी लाना है और माता का दर्शन भी करना है, इसीलिए जय माता दी बोल के बढ़ते चलते हैं। और बीच रास्ते में ही पता भी चला कि अभी 11 बज चुका है और सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही माता का दरबार खुला रहता है। और चूँकि बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो फिर शाम 4:30 बजे से ही दरबार खुलेगा। तो हम लोग आए हैं तो थोड़ी निराशा हाथ लगी है कि माता का दर्शन नहीं हो सकेगा, परंतु माता के दरबार में आकर और माता को प्रणाम करेंगे यही बहुत है। और आप लोगों को दिखलाएँगे कि किस प्रकार से यहाँ से जो व्यू दिखता है। अभी हम लोग पूरी तरह से थक चुके हैं दोस्तों, लेकिन फिर से यहाँ से चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखलाते हैं क्या स्थिति है। और हम लोग अभी चूँकि सीढ़ियों के बदौलत चलने में थोड़ा कठिनाई महसूस हो रहा है क्योंकि बहुत ऊंचाई है, तो हम लोग थोड़ा साइड से चलेंगे। और साइड साइड में क्या हो रहा है कि आप देखेंगे, इधर सीढ़ियाँ नहीं है तो इधर चलने में थोड़ा आसानी हो रहा है, सीढ़ी से चलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन अधिक दूर तक चल भी तो नहीं सकते भाई। देखिए क्या स्थिति है, देखिए रांची से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में स्थित है ये महामाया मंदिर। तो आपको मैंने टाइमिंग बताया है, जब आना हो तो इसी टाइमिंग में आए, पूजा पाठ हो जाएगी, माता के दर्शन हो जाएंगे, फिर ऊपर जाकर आप लोगों को दिखलाते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं पूरे 370 सीढ़ियां चढ़कर, और नीचे में किसी ने हमें बता दिया था 150 सीढ़ी, और अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो शायद हम लोग नीचे तक हार जाते। तो ठीक ही, भगवान जो करते हैं वो ठीक करते हैं। हम लोगों ने ढांढस बांधे रखा और 350 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर, और 350 सीढ़ी बहुत अधिक नहीं होता है दोस्तों, परंतु यह जो प्रचंड गर्मी है, प्रचंड धूप है, जैसे ही यहाँ आया हूँ पसीना से तर बतर पूरा, पीछे आप देख रहे हैं तौलिया है, गंजी है, सारा खोल कर रख दिया गया है। सोनू भाई उधर है, अब देखिए हवा किस प्रकार से लाना है, अपने टी शर्ट से आविष्कार किया है इन्होंने। और अब आपको बता दें कि ये जो महामाया मंदिर है, महामाया मंदिर लगभग 300 वर्षों से यहाँ पे पूजा पाठ होते आ रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि मंदिर बंद है, 11 बज चुका है और यहाँ के जो पुरोहित है वो चले गए हैं, वो 4:30 बजे फिर आएंगे मंदिर खोलने के लिए, और सुबह का टाइमिंग 7 बजे से है। तो यहाँ पे 300 वर्षों से पूजा पाठ होते आया है। और यहाँ का जो प्राचीन इतिहास है दोस्तों, वो ऐसा है कि बोकारो में एक लुगु पहाड़ है, तो लुगु पहाड़ में लुगु दीदी नाम की, मतलब वहाँ की एक देवी है, लुगु दीदी कहा जाता था। और यहाँ का जो महामाया मंदिर है, महामाया देवी, इनको भी बहुत प्राचीन पहले लोग माया दीदी कहा करते थे। तो लुगु दीदी और माया दीदी, ये दोनों बहनें हुआ करती थी, ऐसी मान्यताएं हैं, और दोनों अजगर के रूप में दोनों का मुलाकात हुआ था। और आज भी नवरात्र जब आता है
तो नवरात्रि में यहाँ पे यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग आते हैं पूजा पाठ करने। बहुत अधिक संख्या में भीड़ होती है। आसपास का 7 गांव के लोग यहां पर पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। और चूंकि अजगर के रूप में नवरात्रा में भी माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि अजगर के रूप में इस मंदिर में प्रवेश करती है महामाया देवी जी। और इस मंदिर के नीचे में भोले बाबा का मंदिर है, गुफा है, और उस गुफा में अभी हम लोग नहीं जा सकते चूँकि वो बंद है। और आपको बतला दें कि आज यहाँ जो 7 गांव के लोग जो यहाँ का पूजा पाठ किया करते हैं, वो आज भी अजगर को नहीं मारा करते, चूँकि ऐसी मान्यता है कि अजगर के रूप में ही माँ माया देवी यहाँ पे विराजमान है। तो आपको हम दिखलाते हैं कि मंदिर अभी कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से मंदिर का निर्माण हो रहा है। मेरे चारों ओर आपको मैं दिखलाता हूँ कि इस प्रकार से मंदिर का निर्माण हो रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ से जो व्यू है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बहुत ही गर्मी है दोस्तों, इतनी गर्मी है कि सच में ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अभी मैंने चेक किया है, 38 डिग्री सेल्सियस यहाँ की गर्मी है, परंतु ये ऐसा महसूस हो रही है जैसे 45 डिग्री के आसपास हो। और आपको मैं दिखलाता हूँ कि आप इधर देखिए किस प्रकार का नज़ारा है, इस प्रकार का नज़ारा है। आप देख सकते हैं, आपको मंदिर के पीछे ले जाकर मैं दिखलाता हूं दोस्तों। मंदिर के पीछे का क्या नज़ारा है आप देखिए, पेड़ पौधे हैं। बहुत ही थका देने वाला यह समय हुआ दोस्तों, ये जो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आया हूँ और इतनी गर्मी में, और उसके बाद माता का दर्शन नहीं हो पाया। ये डस्टबिन है, ये देखिए आप, ये डस्टबिन है। तो कचरा जितना भी जो सामग्रियाँ निकलती हैं पूजा पाठ के बाद, वो यहीं पे आती है। तो कुछ इस प्रकार का व्यू है, बैक कैमरा से मैं आपको दोस्तों। अभी हम लोग महामाया मंदिर के ठीक सामने द्वार पर खड़े हैं, और महामाया मंदिर अभी मैं आप लोगों को दिखलाता हूं कि ये मेरे पीछे ठीक ये महामाया मंदिर है, मुख्य मंदिर है। और नवरात्र में यहां पे बहुत अधिक भीड़ होती है दोस्तों, ऐसे भी आम दिनों में लोग यहां पर पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। और यहाँ का वातावरण जो है वो बहुत ही मतलब शांत वातावरण है। अभी तो गर्मी बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी बेचैनी महसूस होगी। और पानी वगैरह भी बहुत गर्म है, पीने लायक पानी नहीं है दोस्तों, गला बिल्कुल सूख रहा है। अभी हम लोग यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे, तो अभी हम लोग फिर पानी पीते हैं। और अब यहाँ का मैंने सब कुछ आपको दिखला दिया है दोस्तों, तो आप जब भी आए पानी वगैरह की व्यवस्था करके आए, कुछ हल्का फुल्का नमकीन खाने के लिए लेकर आए। ऊपर में आपको कुछ मिलेगा नहीं, ऊपर में सिर्फ पूजन सामग्री है, दुकान है, इसमें प्रसाद दुकान है, प्रसाद के आइटम्स मिलते हैं, पूजा पाठ के आइटम्स मिलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में। बाय बाय।